दूल्हा गैंगस्टर और दुल्हन लेडी डॉन, एक ऐसी शादी जहां पे एक गैंगस्टर दूल्हा है और लेडी डॉन दुल्हन है। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है और मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। इस शादी में जहां पे एक लेडी डॉन दुल्हन बनी है और उसका दूल्हा एक गैंगस्टर है, तो ऐसी शादी में बाराती कौन होंगे, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आमतौर पर जब शादी होती है तो ये देखा जाता है कि दूल्हे और दुल्हन का मैच मिलता हो, या तो दोनों बिजनेस फैमिली से आते हों या पॉलिटिकल फैमिली से या किसी राजघराने से। इसके अलावा सेम प्रोफेशन में भी शादी करने का चलन काफ़ी लोकप्रिय है। मसलन अफसर दूल्हे की दुल्हन अफसर, डॉक्टर की दुल्हन डॉक्टर और इंजीनियर की इंजीनियर से शादी। इसी लीक पर चलते हुए दिल्ली में एक ऐसी शादी होने जा रही है जिसमें दूल्हा और दुल्हन का प्रोफेशन एक है। दोनों ही अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर दूल्हा है कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और दुल्हन है लेडी डॉन के नाम से कुख्यात अनुराधा चौधरी। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले संदीप की होने वाली दुल्हन अनुराधा फिलहाल उसी के परिवार के साथ रह रही है। इस लेडी डॉन को रिवॉल्वर रानी के नाम से भी जाना जाता है और इसे AK-47 जैसे हथियारों को रखने का शौक है। ज़्यादातर आधुनिक पहनावे में नजर आने वाली अनुराधा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। अपराध जगत में आने से पहले वो एक सामान्य सी दिखने वाली पढ़ी लिखी लड़की हुआ करती थी जिसने राजस्थान यूनिवर्सिटी से BTech की पढ़ाई की। बताया जाता है कि पढ़ाई के दौरान उसे एक लड़के से प्यार हो गया जिससे उसने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। शादी के बाद अनुराधा ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का काम शुरू किया जिसमें उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसके ऊपर काफ़ी कर्ज भी हो गया। पैसा कमाने और ऐशो आराम की जिंदगी के लालच में वो जरायम की दुनिया की तरफ खिंचती चली गई और उसके कई गैंगस्टर और अपराधियों से ताल्लुकात हो गए। इसी समय उसकी मुलाकात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह से हुई। अनुराधा और आनंद पाल की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गईं कि अनुराधा ने अपने पति से संबंध तोड़ दिए और आनंद पाल के साथ रहने लगी। आनंद पाल ने उसे AK-47 जैसे खतरनाक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे अनुराधा आनंद पाल के गैंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई और उसे किडनैपिंग एक्सपर्ट, लेडी डॉन और रिवॉल्वर रानी कहा जाने लगा। रंगदारी देने से इनकार करने पर जब वो एक व्यापारी को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जा रही थी तो पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसे 2 साल की सजा हो गई। अनुराधा जब जेल में थी तभी 2017 में पुलिस ने आनंद पाल को एक मुठभेड़ में मार गिराया। जेल से बाहर निकलकर अनुराधा चौधरी ने आनंद पाल गैंग की कमान संभाल ली और गैंग को बढ़ाने के लिए उसने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती कर ली। इसी दौरान अनुराधा की मुलाकात बिश्नोई के लिए काम करने वाले संदीप उस काला जठेड़ी से हुई। धीरे धीरे काला जठेड़ी और अनुराधा काफ़ी करीब आ गए और एक साथ रहने लगे। एक समय काला जठेड़ी दुबई और मलेशिया से अपने गैंग को ऑपरेट करता था। बाद में काला जठेड़ी दिल्ली आ गया और अपना गैंग वहीं से चलाने लगा। दिल्ली पुलिस ने एक बार काला जठेड़ी को एक शख्स का मोबाइल छीनकर भागते समय रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद काला जठेड़ी के जेल आने जाने का सिलसिला चलता रहा और वो बड़ा गैंगस्टर बन गया। फिलहाल काला जठेड़ी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। काला जठेड़ी ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि वो और अनुराधा पहले ही शादी कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से वो दोनों परिवार के सामने शादी करने जा रहे हैं। वहीं अनुराधा का भी कहना है कि वो अपराध की दुनिया को छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। तिहाड़ जेल में बैठे इस दूल्हे की शादी के लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और अब इन दोनों की शादी के लिए 12 मार्च की तारीख नियत की गई है। देखने वाली बात होगी कि इस शादी में किस तरीके के और मेहमान शामिल होते हैं। हालांकि ये तो तय है कि पुलिस की इस शादी पर
कड़ी नजर रहेगी। आप हमारा चैनल द पेन डाउन लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।